बार बार आप प्रेस का नाम बर्बाद कर रहे हो। नहीं, नहीं, यहाँ प्राइवेट काम से आए हो? नहीं, टकराना महंगा पड़ गया। रामपुर के SP आज लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, जो भी मिल रहा था पूछ रहे थे, भैया कहाँ जा रही हो। इसी कड़ी में मिल गए भाई साहब पत्रकार, पूछा कहाँ से आ रहे हो, पहले बोले बरेली, फिर कहा मुरादाबाद, क्या करने आए हो, पहले कहा प्राइवेट काम, फिर कहा शूट करने, और फंस बैठे। ना तो कार्ड था और ना पत्रकारिता का लहजा, अगर कुछ था तो वो आपके सामने है। उनको भी कार्ड दिखा रहे हो? नहीं, मैंने आपको बताया। नहीं, सब खड़े हैं, सामने रिकॉर्ड किया, वो आपको टोक रहे हैं। अरे सामने को देख लो, आपको इतनी अकल नहीं है कि आप एक प्राइवेट काम से आप घूम रहे हो, बार बार आप प्रेस का नाम बर्बाद कर रहे हो। नहीं, प्राइवेट काम से आए हो? नहीं, प्राइवेट काम नहीं है ना, कोई आपका एरिया नहीं है, आप बरेली के हो, आप कह रहे हो मैं मिल नहीं बरेली का, आपने बरेली का आपने कहा किसी मिलने आया, किसका नाम ले रहे थे आप? शावेद भाई का। लेकिन SP साहब यही नहीं रुके, उन पर तो एक्शन हुआ। उसके बाद फंस गए फॉर्चुनर वाले भैया। सुबह सुबह निकले थे निक्कर पहनकर, SP साहब ने पकड़ लिया कि भैया कहाँ जा रहे हो, कर्फ्यू लगा है पता है कि नहीं, और आगे जो हुआ खुद देखिए। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? IT में जॉब करते हैं। पढ़े लिखे होंगे फिर तो शायद। तो आपने पढ़े लिखे, आपको नहीं पता कर्फ्यू नाम की चीज चल रही है, लोगों की जान आ गया नेसेसरीली, अपना काम घर से निपटाने के लिए कहा है, पर आप ये बनियान और कच्चा पहन के फॉर्च्यूनर लेके निकले हैं दूध खरीदने दोपहर में 2 बजे जी, और आप कह रहे मुझे नहीं पता कर्फ्यू लगा है? नहीं, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता। आपको नहीं पता? ऑनेस्टली नहीं। ये तो गलत बात हो गई ना। एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आप दूसरे जान खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है कि गर्मी 45 डिग्री में खड़े हैं, सबको घरों में रख रहे हैं। ये आपकी जान बचाना चाह रहे हैं। बात मेरी बिल्कुल सही है, आपकी गलत है, आपकी गलत है। मैं ध्यान रखता हूँ। गाड़ी सीज करिए इनकी, आपका आईडी होना चाहिए, आपकी गलती है, सारे आईडी आपको लेने पड़ेंगे, जान की फिक्र अपनी करिए, दूसरों की भी करिए। कैसे फॉर्चुनर सीज हो जाती है और अकड़ थरी की थरी रह जाती है। अंग्रेजी में SP को सिखा रहे थे, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। जिले के कप्तान आज राउंड पर थे, सड़कों पर निकल चुके थे, बेवजह घूमने वालों पर एक्शन ले रहे थे, और पुलिस कप्तान शगुन गौतम ने सिखा दिया कि जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी भारी भरकम। इनको कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रामपुर पुलिस पूरी अपना जितना भी पॉसिबल है रोड पे खड़े होकर इसका एनफोर्समेंट करा रही है। पूरे जिस काल की बात करें, अगर इस काल में हमने करीब 540 मुकदमे लिखे हैं और 3000 लोगों पर हमने मुकदमे लिख के कार्रवाई करी है। साथ ही साथ हमने जो चालान बनते हैं, जुर्माना वसूला है इनसे, वो मास्क और थूकने को लेके करीब 1,92,00,000 का वसूला है। साथ में जो वाहन सीज करे हैं, 2400 से ज़्यादा हमने वाहन सीज किए हैं, और उसमें जो ट्रैफिक का हमने शुल्क वसूला है, सब मिला के हमारा 5.5 करोड़ के ऊपर हमने जुर्माना वसूला है। इसका असर देखने को भी मिला है, लोग बिना बात के या बिना किसी कारण के या अनावश्यक गाइडलाइंस को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, और उसी का नतीजा है कि रामपुर जनपद में कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में है। यानी समझा जा सकता है कि सड़क पर निकलने वालों की अब खैर नहीं। रामपुर में तो वसूली भी 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, यानी पुलिस लोगों को सबक तो सिखा ही रही है, साथ ही सरकारी खजाना भी भर रहा है। अब उम्मीद है कि सड़क पर निकलने से पहले अब लाख बार सोचेंगे लोग। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क के साथ।